स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अस्तु मां सद्गम्य में। आज हम गुरु गीता का तीसरा अध्याय करेंगे। हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। सागर या नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष के या आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में, नित्य अनुष्ठान के रूप में अनासक्त रहकर मौन पूर्वक इसके जप का आरंभ करना चाहिए। जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। शमशान में बिल्व वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे और आम्र वृक्ष के पास जप करने से सिद्धि जल्दी होती है। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधः पतन होता है। जिसके अंदर गुरु भक्ति हो, उसकी माता धन्य है, उसके पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, बंधु बांधव, माता का कुल, पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं। इसमें संशय नहीं है। गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है। गुरु से अधिक और कुछ नहीं है, यह मैं तीन बार कहता हूँ। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है, उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता है। ज्ञानी दिन में या रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामौनी, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है। हे देवी, गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थ में है। हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत, स्वस्त्री से विमुख ऐसे बुद्धि शून्य लोगों को मेरा यह आत्म प्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं। शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला एक गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो चतुर हो, विवेकी हो, अध्यात्म के ज्ञाता हो, पवित्र हो तथा निर्मल मानस वाले हो, उनमें गुरुत्व शोभा पाते हैं। गुरु निर्मल, शांत, साधु स्वभाव के, मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी और जितेंद्रिय होते हैं। सूचक आदि भेद से अनेक गुरु कहे गए हैं। बुद्धिमान मनुष्य को स्वयं योग्य विचार करके तत्वनिष्ठ सद्गुरु की शरण लेनी चाहिए। हे देवी, वर्ण और अक्षरों से सिद्ध करने वाले बाह्य लौकिक शास्त्रों का जिसको अभ्यास हो, वह गुरु सूचक गुरु कहलाता है। हे पार्वती, धर्म अधर्म का विधान करने वाली, वर्ण और आश्रम के अनुसार विद्या का प्रवचन करने वाले गुरु को तुम वाचक गुरु जानो। पंचाक्षरी आदि मंत्रों का उपदेश देने वाले गुरु बोधक गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती, प्रथम दो प्रकार के गुरुओं से यह गुरु उत्तम है। मोहन, मारण, वशीकरण आदि तुच्छ मंत्रों को बताने वाले गुरु को तत्वदर्शी पंडित निषिद्ध गुरु कहते हैं। हे प्रिय, संसार अनित्य और दुखों का घर है, ऐसा समझकर जो गुरु वैराग्य का मार्ग बताते हैं, वे विहित गुरु कहलाते हैं। हे पार्वती,
तत्त्वम असि आदि महावाक्यों का उपदेश देने वाले तथा संसार रूपी रोगों का निवारण करने वाले गुरु कारणाख्य गुरु कहलाते हैं। सर्व प्रकार के संदेहों का जड़ से नाश करने में जो चतुर है, जन्म मृत्यु तथा भय का जो विनाश करते हैं, वे परम गुरु कहलाते हैं, सद्गुरु कहलाते हैं। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। हे पार्वती, इस प्रकार संसार में अनेक प्रकार के गुरु होते हैं, इन सब में एक परम गुरु का ही सेवन सर्व प्रयत्नों से करना चाहिए। पार्वती ने कहा, प्रकृति से ही मूढ़, मृत्यु से भयभीत, सत्कर्म से विमुख लोग यदि दैव योग से निषिद्ध गुरु का सेवन करें तो उनकी क्या गति होती है। श्री महादेव जी बोले, निषिद्ध गुरु का शिष्य दुष्ट संकल्पों से दूषित होने के कारण ब्रह्म प्रलय तक मनुष्य नहीं होता, पशु योनि में ही रहता है। हे देवी, इस तत्व को ध्यान से सुनो, मनुष्य जब विरक्त होता है तभी वह अधिकारी कहलाता है, ऐसा उपनिषद कहते हैं। अर्थात दैव योग से गुरु प्राप्त होने की बात अलग है और विचार से गुरु चुनने की बात अलग है। अखंड, एक रस, नित्य मुक्त और निरामय ब्रह्म जो अपने अंदर ही दिखाते हैं वे ही गुरु होने चाहिए। हे पार्वती, जिस प्रकार जलाशयों में सागर राजा है, उसी प्रकार सब गुरुओं में से ये परम गुरु राजा है। मोह आदि दोषों से रहित, शांत, नित्य तृप्त, किसी के आश्रय रहित अर्थात स्व आश्रयी ब्रह्मा और विष्णु के वैभव को भी तृणवत समझने वाले गुरु ही परम गुरु हैं। सर्व काल में और देश में स्वतंत्र, निश्चल, सुखी, अखंड, एक रस के आनंद से तृप्त ही सचमुच परम गुरु हैं। द्वैत और अद्वैत से मुक्त, अपने अनुभव रूप प्रकाश वाले अज्ञान रूपी अंधकार को छेदने वाले और सर्वज्ञ ही परम गुरु हैं। जिनके दर्शन मात्र से मन प्रसन्न होता है, अपने आप धैर्य और शांति आ जाती है, वे परम गुरु हैं। जो अपने शरीर को शव समान समझते हैं, अपने आत्मा को अद्वैत जानते हैं, जो कामिनी और कंचन के मोह का नाश करता है, वे परम गुरु हैं। हे पार्वती सुनो, तत्वज्ञ दो प्रकार के होते हैं, मौनी और वक्ता। हे प्रिय, इन दोनों में से मौनी गुरु द्वारा लोगों को कोई लाभ नहीं होता, परंतु वक्ता गुरु भयंकर संसार सागर को पार कराने में समर्थ होते हैं, क्योंकि शास्त्र, तर्क और अनुभूति से वे सर्व संशयों का छेदन करते हैं। हे देवी, गुरु नाम के जप से अनेक जन्मों के इकट्ठे हुए पाप भी नष्ट होते हैं, इसमें अणुमात्र संशय नहीं है। अपना कुल, धन, बल, शास्त्र, नाते रिश्तेदार, भाई, ये सब मृत्यु के अवसर पर काम नहीं आते, एकमात्र गुरुदेव ही उस समय तारणहार हैं। सचमुच अपने गुरुदेव की सेवा करने से अपना कुल भी पवित्र होता है, गुरुदेव के तर्पण से ब्रह्मा आदि सब देव तृप्त होते हैं। हे देवी, स्वरूप के ज्ञान के बिना किए हुए जप तप आदि सब कुछ नहीं किए हुए के बराबर हैं, बालक के बकवाद के समान व्यर्थ हैं। गुरु दीक्षा से विमुख रहे हुए लोग भ्रांत हैं, अपने वास्तविक ज्ञान से रहित हैं, वे सचमुच पशु के समान हैं, परम तत्व को नहीं जानते। इसलिए हे प्रिय, कैवल्य की सिद्धि के लिए गुरु का ही भजन करना चाहिए, गुरु के बिना मूढ़ लोग उस परम पद को नहीं जान सकते। हे शिवे, गुरुदेव की कृपा से हृदय की ग्रंथि छिन्न हो जाती है, सब संशय कट जाते हैं और सर्व कर्म नष्ट हो जाते हैं। वेद और शास्त्र के अनुसार विशेष रूप से गुरु की भक्ति करने से गुरु भक्त घोर पाप से भी मुक्त हो जाता है। दुर्जनों का संग त्याग कर पाप कर्म छोड़ देने चाहिए। जिसके चित्त में ऐसा चिन्ह देखा जाता है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। चित्त का त्याग करने में जो प्रयत्नशील है, क्रोध और गर्व से रहित है, द्वैत भाव का जिसने त्याग किया है, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। जिसका जीवन इन लक्षणों से युक्त हो, निर्मल हो, जो सब जीवों के कल्याण में रत हो, उसके लिए गुरु दीक्षा का विधान है। हे देवी,
जिसका चित अत्यंत परिपक्व हो, श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो, उसे यह तत्व सदा मेरी प्रसन्नता के लिए कहना चाहिए। सत्कर्म के परिपाक से शुद्ध हुए चित वाले बुद्धिमान साधक को ही गुरु गीता प्रयत्न पूर्वक कहनी चाहिए। नास्तिक, कृतघ्न, दंभी, शठ, अभक्त और विरोधी को यह गुरु गीता कभी नहीं कहनी चाहिए। स्त्री, लंपट, मूर्ख, काम वासना से ग्रस्त चित वाले तथा निंदक को गुरु गीता बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए। एकाक्षर मंत्र का उपदेश करने वाले को जो गुरु नहीं मानता, वह 100 जन्मों में कुत्ता होकर फिर चांडाल की योनि में जन्म लेता है। गुरु का त्याग करने से मृत्यु होती है, मंत्र को छोड़ने से दरिद्रता आती है और गुरु एवं मंत्र दोनों का त्याग करने से रौरव नरक मिलता है। शिव के क्रोध से गुरुदेव रक्षण करते हैं, लेकिन गुरुदेव के क्रोध से शिव जी रक्षण नहीं करते। अतः सब प्रयत्न से गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 7 करोड़ महामंत्र विद्यमान हैं, वे सब चित को भ्रमित करने वाले हैं। गुरु नाम का 2 अक्षर वाला मंत्र एक ही महामंत्र है। हे देवी, मेरा यह कथन कभी मिथ्या नहीं होगा, वह सत्य स्वरूप है। इस पृथ्वी पर गुरु गीता के समान अन्य कोई स्रोत नहीं है। भव दुख का नाश करने वाली इस गुरु गीता का पाठ गुरु दीक्षा विहीन मनुष्य के आगे कभी नहीं करना चाहिए। हे महेश्वरी, यह रहस्य अत्यंत गुप्त रहस्य है। पापियों को वह नहीं मिलता। अनेक जन्मों के किए हुए पुण्य के परिपाक से ही मनुष्य गुरु तत्व को प्राप्त कर सकता है। श्री सतगुरु के चरणामृत का पान करने से और उसे मस्तक पर धारण करने से मनुष्य सर्व तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त करता है। गुरुदेव के चरणामृत का पान करना चाहिए। गुरुदेव के भोजन में से बचा हुआ खाना, गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान करना और गुरु नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव सहित समग्र जगत गुरुदेव में समाविष्ट है। गुरुदेव से अधिक और कुछ भी नहीं है, इसलिए गुरुदेव की पूजा करनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष पद मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वालों के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। गुरु के कृपा प्रसाद से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव यथाक्रम जगत की सृष्टि, स्थिति और लय करने का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। हे देवी, गुरु का यह 2 अक्षर वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियां, वेद और पुराणों का वह सार ही है, इसमें संशय नहीं है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है। ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री सद्गुरुदेव के चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, अज्ञान रूपी अंधकार में अन्न बने हुए और विषयों से आक्रांत चित वाले मुझको ज्ञान का प्रकाश देकर कृपा करो। इति श्री स्कंद उत्तरखंडे उमा महेश्वर संवादे श्री गुरु गीतायाम 3rd अध्याय पूर्णः। यहाँ पर हमारी गुरु गीता संपूर्ण होती है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें।